अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को आइए सजाया जाए। निदा फाजली साहब का यह शेर हर उस व्यक्ति के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम बढ़िया है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया अलग करना चाहता है लेकिन वो खुद से ही परेशान। दरअसल होता क्या है, हम लोग अपनी मुसीबतों अपनी परेशानियों से इतने घिरे रहते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि ये परेशानियां हम सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं पहले की तरह, लेकिन हम सुलझाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसका एक कारण, बड़ा कारण है, वो ये है कि हम अपने आप और अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं। यकीन मानिए, आपकी छोटी छोटी चीजें अगर आप उसको व्यवस्थित रूप से करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ठीक हो जाएंगी। एक उदाहरण लेकर देखते हैं और समझिए इस उदाहरण को। सपोज आपके पास में आपके डाइनिंग टेबल पे, खाने की टेबल पे, आपके पास कोई भी, आप आते हैं ऑफिस से, आते हैं कहीं बाहर से, आते हैं कुछ भी करते हैं, सबसे पहले अपने अपनी चाबी वहां छोड़ दी, अपनी कंघी वहां छोड़ दी, अपनी घड़ी उतार के वहां रख दिया, अपने पास में अगर बुक किताब कॉपी या बैग है वो भी वहां पे डाल दिया, इसके अलावा उस पे ऑलरेडी कुछ खाने पीने का सामान, कुछ चम्मच, कुछ जो है चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो कुल मिलाकर वो मेज इस स्थिति में है कि अचानक लाइट चली जाती है और आप उसमें से ढूंढ रहे हैं कि टॉर्च कहाँ रखी थी। आपको टॉर्च मिलेगी? नहीं मिलेगी। और टॉर्च नहीं मिलेगी, बाकी सामान जरूर इधर उधर गिर जाएगा। तो अगर कोई सामान काम के वक्त नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम का था ही नहीं। यही चीज हमारे दिमाग के साथ होता है, आपके हमारे दिमाग के साथ। आप और हम अपने दिमाग में इतनी चीजें भरे हुए हैं ठीक वैसे ही जैसे एक अपार्टमेंट के अंदर सारा सामान भरा रहता है। आप किसी भी अपार्टमेंट के अंदर जाइए, उसके अंदर घुसने के बाद जैसे ही आप उस अपार्टमेंट में घुसते हैं सबसे पहले क्या मिलता है, आपको फर्नीचर्स मिलते हैं, आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, आपको दरो दीवार पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, आपके पास मेज मिलता है, सोफा मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब आपको नई चीजें डालनी है, नए पेंटिंग्स लगाने हैं, नए सोफा सेट रखने हैं, नई चीजें वहां पे लाके डालनी है। कैसे डालेंगे? स्वाभाविक सी बात है, पहले पुरानी वाले को उठा के बाहर करेंगे फिर नया डालेंगे, और नया डालने के लिए पुराना बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे मन के इस अपार्टमेंट में पता नहीं कितने सालों पुरानी दकिया ने उसी चीजें भरी पड़ी। आप उन चीजों को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक नई चीजें डालेंगे कैसे? उन चीजों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, उसी चीजों को निकालने के लिए अफर्मेशंस होते हैं, उन्हीं चीजों को निकालने के लिए दुनिया भर की एक से बढ़कर एक टेक्निक्स हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम उन टेक्निक्स के जरिए लोगों को अपने मन के उस अपार्टमेंट को खाली करवाते हैं और वहां पे सकारात्मक रूप से एक बेहतरीन चीजें जो आपको अब चाहिए, जिसको देखकर, जिसको सोचकर आपको खुशी होती है, उन चीजों को वहां पे ले जाकर स्थापित करते हैं। तो आप अगर खुद से कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आप किसी की मदद लीजिए। आप स्पेशली अपने इस मन के अपार्टमेंट को खाली करके यहां सकारात्मक चीजें, सकारात्मक फर्नीचर्स भरिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। आप जैसे जैसे अपने आसपास के माहौल को बदलते हैं आपका दिन बदलने लगता है, और दिन बदलता है महीना बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा तो आपके पूरे साल खूबसूरत हो जाएंगे। करके देखिए और फिर बताइएगा जरूर। मुस्कुराते रहिए।